दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर लगातार बिहार में बढ़ रहा है। इसका संक्रमण सुनामी की तरह पूरे बिहार में बढ़ रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 197 पहुंच चुकी है। अभी जो मुंगेर से खबर निकल कर आई है, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने ट्वीट किया है और मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जहां 15 कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले हैं और इस मरीज मिलने के बाद मुंगेर का आंकड़ा वामन पहुंच चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि मुंगेर पूरे बिहार में सबसे पहला जिला है जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी सबसे अधिक है और मुंगेर में अर्धशतक पार कर चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार पूरे सूबे में बढ़ रही है और सुनामी की तरह यह बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है और सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे ही हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री के आह्वान पर आगामी 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। अब आगे क्या निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार पूरे बिहार ही नहीं देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बिहार में भी सुनामी की तरह मरीज बढ़ रहे हैं। अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको हम बता दें कि 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंगेर में पाए गए हैं। इसके बाद मुंगेर का आंकड़ा 52 पहुंच चुका है, साथ ही साथ पूरे बिहार का आंकड़ा 197 पहुंच चुका है। और मुंगेर से जो खबर आ रही है उसमें 10 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। क्या स्वास्थ्य सचिव ने ट्वीट किया है वो हम आपको बता रहे हैं। आज का चौथा अपडेट है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि 4th अपडेट ऑफ द डे, 15 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार, टेकिंग द टोटल टू 197, 5 मेल्स एंड 10 फीमेल्स, ईयर्स फ्रॉम सदर बाजार जमालपुर मुंगेर। मुंगेर जिले के सदर बाजार जमालपुर से यह मरीज मिली है और इसके बाद पूरे बिहार में आंकड़ा 197 हो गया है। जो 5 मेल पाए गए हैं उनकी उम्र क्रमशः 18 वर्ष, 14 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष और 46 वर्ष हैं। और जो 10 महिलाएं पाई गई हैं उनका उम्र लगभग 10 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 37 वर्ष, 38 वर्ष। जी हाँ, इसमें 3 जो हैं वो 10 वर्ष और 12 वर्ष, ये नाबालिग लड़कियां हैं। और इसके बाद पूरे बिहार में आंकड़ा 197 हो गया है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का यह चौथा ट्वीट है, स्वास्थ्य सचिव ने यह ट्वीट किया और पूरे बिहार में लगातार सुनामी की तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इससे निपटने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए हम लॉकडाउन का बखूबी समर्थन करें और अपने घर में ही रहकर इस वैश्विक महामारी से निपट सकते हैं। लगातार हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें और इस वैश्विक महामारी को जड़ से भगाना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और पाएं बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो।